Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और आज तो करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्तियां इसके पास में हैं। वो सब जांच का विषय है, वो जांच में सब चीज़ें आएंगी। और जहां तक आप देखते हो, ये जो महल इसने खड़ा कर रखा है, ये बातों से तो खड़ा होता नहीं है। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है, तभी तो इनकम टैक्स रेड हुई है। यदि ये पाक साख होते तो कोर्ट में जा कर भी क्यों मुँह खा करके आते हैं? कोर्ट से ऊपर थोड़ी कोई है। अब कोर्ट में जाकर के भी इन्होंने देख लिया, और सुप्रीम कोर्ट से अपनी PIL कैसे इन्होंने वापस ले ली तुरंत अपील, जब इन्होंने देखा कि वो DMK की नेता की जमानत अर्जी खारिज होगी, तो इनको लगा कि हम यदि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गए तो हम भी पहले जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जो डाली थी उसको बाहर निकाल लो, हम तो पहले लोअर कोर्ट में जाएंगे। आप पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने हिरासत में लिया है और रिमांड में रखा हुआ है। ऐसे में अब उनकी पत्नी का भी बयान आया है, देशवासियों से गुहार लगा रही है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनकी पार्टी को दबाया जा रहा है। ऐसे में अब जो है इनकम टैक्स विभाग की टीम इस वक्त मटियाला विधानसभा के जो विधायक है गुलाब सिंह के आवास पे पहुंची हुई है और उनके कई ठिकानों पे छापेमारी कर रही है, रेड पड़ चुकी है। आप देख सकते हैं, ये गुलाब सिंह का बंगला है जहां पर ED की टीम अंदर मौजूद है और लगातार कई घंटों से, सुबह बताया जाता है कि सुबह के समय ही यहाँ पर ED अचानक पहुँची थी और उस वक्त उनके घर में अफरा तफरी मची, जिसके बाद से अब लगातार जो है उनसे पूछताछ चल रही है। कई उनके जो ठिकाने हैं द्वारका स्थित कई ठिकाने हैं जहाँ पर ED की टीम पहुंची हुई है और उनसे पूछताछ कर रही है इनकम टैक्स विभाग है। यहाँ पर हमारे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या जो है गुलाब सिंह का क्या बैकग्राउंड है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सर, जानना चाहेंगे, गुलाब सिंह जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी से मटियाला से, उनके घर में आज ED की रेड पड़ी है, तो क्या बैकग्राउंड है उनका, ऐसा क्यों हुआ? इसी गाँव में पैदा हुआ व्यक्ति है वो, और यादव परिवार से आता है और यादव परिवार की नाक कटा दी इसने। पूरा जो नजोड़ दिल्ली देहात का यादव परिवार है उसकी नाक कटा दी इसने जो है, क्योंकि इसने क्षेत्र में एक भी काम नहीं करवाया। मैं राव सतवीर सिंह हूं और 2008 में मटियाला विधानसभा से ये चुनाव लड़ा हूं, और इसने ऐसे ऐसे कुकर्म किए, लोग क्षेत्र के तमाम लोगों ने समझाया इसको, घुसखोरी मत करो, लोगों के यहाँ छापे मत डलवाओ, लोगों के काम करो, आपको सेवा करने का मौका मिला है तो आप सेवा करो। लेकिन इसने दुराला गांव में एक शहीद शिव कुमार थे, उनकी अंत्येष्टि किन हालातों में हुई हम ही लोग जानते हैं। अभी पीछे हमने एक उनकी मूर्ति का अनावरण करवाया है, वो गाँव वालों ने हम सब ने मिलकर जो है, और उस शहीद को प्रॉपर सम्मान भी नहीं मिला। जो लोग देश के लिए जान देते हैं, जो देश की सेवा में अपना परिवार घर सब छोड़ के वहाँ पर जाते हैं, उन सैनिकों का सम्मान भी इस विधायक से नहीं हुआ। और इसने क्षेत्र में जितने भी काम करवाए वो सारे के सारे उल्टे काम करवाए अभी तक। और सबसे बड़ी बात यह कि यादव परिवार, कम से कम नजोगढ़ दिल्ली देहात का यादव परिवार इसकी हरकतों से बहुत शर्मिंदा है। आप बता रहे यही पैदा हुए, आप बचपन से उनको जानते होंगे, जिस तरह से इनकम टैक्स विभाग की जो रेड पड़ी, इनकम टैक्स अमूमन उसी जगह पे रेड डालता है जहाँ पर उसको अवैध तरह से इकट्ठा किया गया पैसा या इनकम टैक्स विभाग से जो गद्दारी की गई, क्या लगता है इनकी कोई इनकम ऐसी बढ़ी क्या? आपको क्या लगता है, रौनक कैसा है इनका? एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और आज तो करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्तियां इसके पास में हैं। वो सब जांच का विषय है, वो जांच में सब चीज़ें आएंगी। और जहां तक आप देखते हो, ये जो महल इसने खड़ा कर रखा है, ये बातों से तो खड़ा होता नहीं है। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है, तभी तो इनकम टैक्स रेड हुई है। मेरा ये कहना है कि अगर आप सामाजिक वातावरण में आ गए हैं तो आपकी ट्रांसपेरेंसी 100% होनी चाहिए, एक रुपये की भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। आप जिस तरह से कह रहे कि भाई इनके पास पैसा आ गया, एक तरफ जो पार्टियाँ हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है उसको जो है BJP कहीं ना कहीं इलेक्शन स्तर पर है तो BJP अब इस तरह से रेड डलवा रही है, इनके साथ कांग्रेस भी कह रही है कि उनके जो खातों को सीज कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है, ऐसा भी कुछ लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी दुनिया की सबसे भ्रष्ट और चोर पार्टी है, जितनी चोरियां और जितने भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने किए हैं, दुनिया की किसी भी पार्टी ने अभी तक इतने भ्रष्टाचार नहीं किए। हर पार्टियों में एक दो व्यक्ति होते थे जो बेईमानी कर लेते थे, लेकिन उनकी बेईमानी भी निकल के आ जाती। इनके यहाँ तो 62 MLA 62 के 62, और जो कहते हैं ना मैं दिल्ली का मालिक हूँ, वो इनका गब्बर सिंह है, वो तो इनका सरदार है, और उसके यहाँ पे अभी क्या क्या चीज़ें निकलनी हैं अभी देखिए आप क्या क्या होता है। आपको नहीं लगता कि राजनीति से प्रेरित है? नहीं, सरकारें, देखिए कोई भी सरकार होगी
वो जो भी आदमी करप्शन करेगा, जो आदमी घूसखोरी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसकी एजेंसियाँ जाँच करेंगी, उसमें सरकार क्या करेगी। देश में कानून सबसे बड़ी चीज़ है, कानून ही अपना काम करता है। मैं हूँ, भाजपा वालों के यहाँ रेडी नहीं होती क्या? उनके यहाँ भी रेडी हुई है, कांग्रेस वालों के यहाँ भी होती थी। जितनी भी पार्टियाँ हैं देश में, क्षेत्रीय पार्टियाँ हों या राष्ट्रीय पार्टियाँ हों, सबके यहाँ पर रेडी होती। आप अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो आपके यहाँ पर जाँच होना निश्चित है, ये कानून अपना काम करता है। कुछ पता चल पाया अंदर से कि हाँ कुछ क्या कुछ मिला वहाँ पर? अभी जो सुबह से ही ये चल रही है रेड, कई घंटे बीत चुके हैं, कुछ ऐसा आप लोगों को पता चला? रेड लगभग सुबह 4 बजे से चल रही है, और ये डिपार्टमेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट वही बता सकते हैं। हम लोग तो बाहर हैं, अभी आप लोग से बात हुई है तब हम लोगों को, देख रहे हैं क्या हो रहा है। जिस तरह से कहा जा रहा है ईडी ने अभी हिरासत में लिया है केजरीवाल से, अब आप पार्टी के विधायक जो है उनको भी अब जो है इस कटघरी में ला रही है, अभी इनकम टैक्स आई हुई है, तो क्या लगता है कुछ राजनीति का भी इसमें लग रहा है, क्योंकि चुनाव सर पे है? नहीं, राजनीति का तो कोई विषय ही नहीं है इसके अंदर। जो कोई इंसान गलत करेगा उस गलत का दंड उसको भारत के संविधान और कानून के अनुसार भोगना पड़ेगा, और यदि इन्होंने कुछ गलत किया है, इनके खिलाफ यदि सबूत मिल रहे हैं ईडी को, गवर्नमेंट को, तो इनके ऊपर उसी के अनुसार कार्रवाई हो रही है। अब कोई ये तो है नहीं कि जबरदस्ती कोई किसी को पकड़ करके अंदर ठूस रहा है। इन्होंने हाई कोर्ट तक भी जा करके देख लिया, कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं भाई, यदि आपके खिलाफ सबूत हैं तो आपको जांच में शामिल होना पड़ेगा, और इसलिए इनको शामिल किया। यदि ये पाक साख होते तो कोर्ट में जा जा कर भी क्यों मुँह की खा करके आते? ये कोर्ट से ऊपर थोड़ी कोई है। अब कोर्ट में जा कर के भी इन्होंने देख लिया, और सुप्रीम कोर्ट से अपनी PIL कैसे इन्होंने वापस ले ली तुरंत अपील, जब इन्होंने देखा कि वो DMK की नेता की जमानत अर्जी खारिज होगी, तो इनको लगा कि हम यदि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गए तो हम भी पहले जाएंगे, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारे जो डाली थी उसको बाहर निकाल लो, हम तो पहले लोअर कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में इनको कम से कम ये तो उम्मीद रहेगी कि हमारा ऊपर जा करके यदि हम लोअर कोर्ट में हमारी बेल अपील हमारी खारिज होगी तो हम फिर हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अगर वहीं से ही खारिज होगी तब क्या करेंगे? फिर तो किसी खाने के नहीं रहेंगे। जो कांग्रेस भी पार्टी जो है इनके साथ है, कांग्रेस का कहना है कि कहीं ना कहीं चुनाव जो है सर पर है, इलेक्शन है लोकसभा के, और कांग्रेस की जो है अकाउंट भी सीज कर दिया गया है। अब जो आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए पहले संजय सिंह को लेकर गई, फिर मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, अब जो मुख्यमंत्री है उनको पद रहते हुए, अब विधायकों के ऊपर जो ये चल रहा है उस पर क्या कहें, क्या राजनीति है इस पर? आपका चुनाव सील नहीं किया, आपका अकाउंट सील नहीं किया, मेरा अकाउंट सील नहीं किया, हजारों करोड़ों लोगों उनका अकाउंट सील नहीं किया। जहाँ पर संदेह है कि लोग चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन्हीं लोगों का चुनाव अकाउंट सील किया है, ये तो आप मानेंगे ना? आप तो मीडिया में हैं, आप लोगों को पता है कि जहाँ पे कहीं पे भी शक की सुई होगी, जहाँ पे भ्रष्टाचार होगा और जहाँ पे अवैध पैसा जिन अकाउंटों में होगा उनको सील किया जाएगा। कानून अपना काम करता है देश में। कांग्रेस ने, जैसा कि आप कह रहे थे कि कांग्रेस ये कह रही है कि भाई राजनीति के अंतर्गत काम कर रहे हैं, कांग्रेस एक काम करे, कांग्रेस अपने पहले खुद के नेताओं के प्रवक्ताओं के बयान उठा करके देख ले, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हों, अजय माकन हो, अलका लांबा हो, और भी बहुत सारे किसी के भी बयान उठा करके वो देख लें, और फिर उन बयानों की तुलना वो अपने आज बोले जा रहे बयानों से कर लें, और फिर इस देश को और इस देश की जनता को ये बता दें कि ये बयान सही सच्चे हैं उनके, या वो पहले वाले बयान सच्चे थे। और यदि दोनों बयानों में यदि उनकी कंपेरिजम नहीं हो रही है, दोनों में से किसी भी एक बयान के अंदर उनका झूठ निकल रहा है, वो ये कह रहे हैं कि भाई वो बयान जो हमारा झूठ था ये सच है, या ये झूठ है वो सच था, तो वो देश को ये भी बताएं कि उन्होंने फिर देश के साथ में इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। अगर बात करें अब गांव के ही हैं गुलाब सिंह की, गुलाब सिंह का पहले का क्या बैकग्राउंड था, अब क्या बैकग्राउंड है? अगर हम बात करें कि पिताजी क्या करते थे, उनका कैसा रहन सहन था, परिवार में क्या, जिस तरह से अब है पहले भी ऐसा था? नहीं, पहले देखिए बिल्कुल मैं मध्यम वर्गीय भी नहीं कह सकता, निम्न मध्यम वर्गीय कहूँगा मैं। और यदि आप इनका इतिहास खंगालोगे तो यहाँ गाँव गुहाण में आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के परिवार से थे, बिल्कुल निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से, और आज क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से इन्होंने डेवलपमेंट की है, कैसे ये श्री महंत बने हैं, धनगढ़ करके धनाढ्य हुए हैं, वो तो खैर जांच का विषय है, वो जांच जब होगी तो उसमें अपने आप सामने आएगा। हम तो नहीं कह सकते भाई किसी ने कैसे कमाया, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले में, राज के मुकाबले में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। अगर बात करें यहाँ के विकास कार्यों को लेकर, तो क्या 10 सालों में जब से ये विधायक बने हैं कुछ हुआ है यहाँ पर विकास कार्य? नहीं भाई, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ विकास कार्य हुआ है। और केवल मेरा, यदि आपको लगे कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरी सेना बनती हो, आप क्षेत्र में किसी भी बंदे को पकड़ करके उसके सामने माइक और कैमरा लगा करके आप पूछ लेना कि भाई क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, कोई एक काम यदि ये बता दें
कि भाई हमने ये विकास कार्य किया है। आप फालतू के विकास को तो छोड़ दीजिए, इस क्षेत्र के अंदर लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं है। हमारी माताएं बहनें पूरी पूरी रात जगती हैं, रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे सुबह 6 बजे बज जाते, दिन निकल जाता लेकिन पानी नहीं आता उनके पास पीने का, पूरी पूरी रात निकल जाती है उनकी। और पानी के टैंकर जो इनके सप्लाई वाले हैं वो उनके घरों में जाते हैं, जो लोग इनके गुर्गे हैं, जो इनके चमचे हैं उनके पास जाते हैं, साधारण आम आदमी के पास नहीं जाते वे टैंकर। जिस तरह से बता रहे हैं कि ये गुलाब सिंह जो विधायक है आम आदमी पार्टी, उनके गांव के लोग हैं, इनका भी गुस्सा बता रहे जायज़ है क्योंकि यहाँ पर एक इलाके में विकास कार्य नहीं हुआ इनका कहना है। और आज जो चल रही इनकम टैक्स की जो रेड है उनके घर पर चल रही है, कई जगहों पर जो उनके ठिकाने हैं, घर है, कई रिश्तेदार हैं जहाँ पर इनकम टैक्स की रेड मारी गई है और लगातार उनसे पूछताछ चली कई घंटों से। अब देखना यही होगा कि कब ये रेड ख़त्म होगी और क्या निकल कर आता है। फिलहाल जो है अभी यहाँ पर कई टीमें जो है अभी मौके पे पहुँची हुई, उनके घर के अंदर जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो बाहर पहरा दे रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या जो चीज़ें हैं, क्योंकि अभी बीच बीच में जो बाहर निकल कर आए अंदेशा जताया जा रहा था कि कैश जो काउंटिंग की मशीन भी गई है वहाँ पर, कुछ दस्तावेज भी लेकर गए हैं और कई अधिकारियों की जो टीम थी वो गाड़ी के अंदर अंदर ही जाकर जो पहुँची है वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो ये टीम है अभी ये कई घंटे ये रेड चलेगी। दिल्ली से OP शुक्ला, दिल्ली तक।